They yeah, are fighting over the credits. Obviously, हमने हमने बात करी कि क्या हो रहा है यार ये फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडिया आपका हीरो से बड़ा होना चाहिए विलेन मैं हमेशा मानता हूँ स्टैंड अलोन श्रद्धा की फिल्म हो सकता है जरूरत ही जर, ना जरूरत पड़े उस कैरेक्टर को आगे ले जाने की आमिर खान सलमान खान शाहरुख खान इनको देख के हम बड़े हुए अमर कौशिक वेलकम टू सी एन एन टीम थैंक यू अमर फर्स्ट मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन फॉर द सुपर सक्सेस ऑफ थ्री टू थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द ऑडियंस the film has already collected over 520 crores net at the domestic box office what are your thoughts on the super success I am very happy actually if you ask me because few people are uh, so many people are telling me that uh, tumne uh, uh hindi cinema ko bacha liya aisa waisa मैं वो नहीं मानता हूँ but uh, मैंने uh, कोशिश की थी अच्छी फिल्म बनाने की ताकि लोग थिएटर आए उस फिल्म को देखने क्योंकि थिएटर में लाने के लिए आपको बहुत चीज़ें एक कहानी तो होनी चाहिए कहानी के अलावा ह्यूमर होना चाहिए लोग लो, थिएटर के मतलब सिनेमा के अंदर इंटैक्ट करके अब एक फिल्म को देखें उसका एक्सपीरियंस लें साउंड हो तो so, वो सब कुछ डालने की कोशिश की थी मैंने फिल्म में और वो डाला है और सेव किया है कि नहीं किया है वो पब्लिक बोलेगी आप लोग बोलिए मैं मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ और, और मुझे लगता भी नहीं कि एक इंसान कोई चीज़ सेव कर सकता है

दो तीन चीज़ें हैं इसमें स्त्री इस एक तो मुझे लगता है कि वो जो दुनिया है ना जो दुनिया बनी है इन चार पांच लोगों की आपस में और जिस तरीके से इनका बैंटर है ये कैरेक्टर्स बहुत प्यार करते हैं लोगों उन, उनको और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही रूटेड कहानी इट्स ऐसा लगता है कि हमारी बीच से कहानी निकल के है और उसमें आप कुछ सुपर चीज़ें होते हुए देख रहे हो जिस जो बिलीवेबल है, भी हैं कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि ये दो तीन चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आई हैं जिस तरीके का बैंटर है उनके बीच में आप अपने एक दोस्त को जरूर देखते हो जना के रूप में आप एक बिट्टू आपकी के टीम में एक होता ही है जो जिसको बुली किया जाता है तो ये सारा चीज़ें जो है ना विक्की एक जो एक बेसिक आदमी है लेकिन उसको आप लीडर मानते हो लेकिन उसके अंदर भी एक डर है उसके अंदर उसके अंदर क्या है क्या नहीं कैरेक्टर को उसको खुद को पता नहीं उसकी क्या खूबियाँ हैं वो कुछ और चाहता है तो ये सब जो कैरेक्टर से जब प्यार हो जाता है ना लोगों को देन इज द द लिमिट एंड वे आपने जैसे बोला दो हजार अठारह में एक अलग दुनिया थी अभी अलग दुनिया है बीच में कोविड आया लोग थिएटर जाना बंद किए बट उनको थिएटर लाने के लिए आपको क्या है आपको उनको नोस्टाल फील देना पड़ेगा हल्का सा आपको उनको याद दिलाना पड़ेगा कि थिएटर में जाने का मजा क्या हुआ करता था आप साथ में ठाके लगाने का मजा क्या है मतलब मैं देख रहा था लोग एक दूसरे को मार मार के हंस ऐसे ऐसे मार रहे थे देखते हुए फिल्म हंस हंस रहे थे एंड लड़कियों की औरतों की ज़्यादा आवाज आ रही थी हंसने की एंड वो फीलिंग जो मेरे लिए थी ना कि uh, किसी ने मुझे बोला आई लाफ लाइक अ मैन एक लड़, एक फीमेल ने तो मैंने बोला ये क्या बात है मतलब लेकिन मैंने कहा कमाल की बात है तो ये ये एक्सपीरियंस ने इस फिल्म को बड़ा बनाया सो देन आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं देन व्हाट इज इट अबाउट द सुपर हॉरर कॉमेडी जॉनरा दैट यू हैव सॉर्ट ऑफ अड क्योंकि इस साल थोड़ा थोड़े महीने पहले आपने एक और फिल्म प्रोड्यूस करी थी वो भी बहुत बड़ी हिट हुई तो सर है हूँ कि नहीं हूँ वो मैं फिर से बोलूंगा कि मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि मास्टर्ड हूँ बट कुछ चीज़ें हैं जो वर्क कर रही हैं जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने की हम लोग की इतनी की कोशिश क्या है बनाने की डीनू और मैं हम लोग जब भी फिल्म इस तरीके की बातें करते हैं हम लोग का ये होता है कि स्क्रिप्ट के एकदम सच्चाई एकदम उसके करीब जाओ उसको ना उसमें उसको मिलावट मत करो जो एक लोग बोलते हैं कुछ मसाला डाल दिया ये डाल दिया वो डाल दिया वो वर्ड ही मत यूज़ करो तो हम लोग वो मसाला वाला वर्ड यूज नहीं करते हम बोलते हैं कि यार ये पिक्चर अगर हम देखना चाहते तो हमको क्या लगता एज अ ऑडियंस कि ऐसी गुफा में जाएंगे गुफा में जाएंगे वहां पे लावा घूम रहा होगा ये कॉमिक्स की दुनिया है सर अगर हम अपने मैं क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स में चला जाऊं तो मैंने ये सब कहानियां अमर चित्र कथाओं में पढ़ी है हमने वहां पे पढ़ी है बट हम भूल गए क्योंकि हमने बहुत सारा अंग्रेजी सिनेमा देख लिया हमने फॉरेन सिनेमा देख लिया वहाँ से प्रभावित होकर हमको लगा कि हमको भी ऐसा ही कुछ बनाना है बट कहीं कहीं ना कहीं आप जाइए अपने रूट पे आपको कहानियाँ वहाँ बहुत सारी मिलेंगी यू you नो know, तो हम लोग का मास्टर्ड कुछ नहीं है हम लोग सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ट्रू रहें अपनी कहानियों को लेकर सेम मुंझा में हुआ सेम स्त्री टू में हुआ बट अमर कोई तो बात है आपकी क्रिएटिव माइंड आपके आपके जीनियस क्रिएटिव माइंड के बारे में बिकॉज यू हैव दिस कंसिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग हिट्स आफ्टर हिट

मतलब उसमें मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए मैं नहीं बोलना मैं बोलूँगा तो बड़ी बात ऐसा लगेगा बट कहीं ना कहीं ये डायरेक्टर्स मीडियम ही है सीरीज़ क्या होता है सीरीज़ में एक क्रिएटर मीडियम होता है उसमें राइटर्स का बहुत होता है इसमें भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल एवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट कहीं ना कहीं इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम कि आप कैसे फिल्म देख रहे हो आप सेट पर जब बैठे हो तो आप कैसे देख रहे हो कहाँ पे आप कट देख रहे हो कहाँ पे आप उस फिल्म को घूमते हुए देख रहे हो कहाँ पे वो टर्निंग पॉइंट है ये सब कुछ दिमाग में आपके रहता है व्हेन यू डायरेक्टिंग व्हेन यू आर गोइंग फॉर एडिट

राज या श्रद्धा ये सब कभी भी करेंगे उनको पता है कि ये फिल्म सबकी है और फ़ैन क्या होते हैं ना सर फैंस जो होते हैं वो उनको लगता है कि यार मुझे क्रेडिट मेरे मेरे एक्टर को क्रेडिट दे दो मुझे मेरे एक्टर को क्रेडिट दे दो सबको क्रेडिट मिल रहा है बट येट क्या होता है कि मीडिया उसको देखिए जब सक्सेस होती कोई है कोई चीज़ें तो लोग मीडिया भी चाहती कुछ तो मिले कुछ तो मैं बोलूँ इसके बारे में जो लोगों को कुछ मजा आए कुछ कुछ तो नेगेटिविटी हो कुछ तो हो तो आई थिंक वही एक उठी है और हम सब लोग हंसते हैं उसके पीछे हम लोग वो बात करते हैं फ़ोन पे हम लोग वीडियो जब चैट करते हैं तो बोलते हैं क्या चल रहा है कहते चल रहा है अभी चलने दो ऐसा वाला हम लोग हंसते हैं यू नो सो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके बीच में कोई वॉर है हम ये लव है. मुझे लगता है दिस इज़ लव ऑफ फैंस विच दे वॉन्ट कि मेरा मेरा कैरेक्टर ये वो करके तो क्या आपने ये सॉर्ट ऑफ वॉर रिजॉल्व करने की कोशिश की थी वॉर था ही नहीं मैं वही बोल रहा हूँ इट्स नॉट अ वॉर इट्स अ लव ऑब्वियसली हमने बात करी कि क्या हो रहा है यार ये और वो लोग भी हंस के बोल रहे हैं आई डोंट नो क्या हो रहा है हम सब लोग आपस में एक वीडियो कॉल पर एक एक ग्रुप में हम लोग बात करते रहते हैं तो दे आर सेइंग कि हाँ अभी क्या बोलूँ फैंस हैं कर रहे हैं और वो, वो फैंस बहुत प्यार करते हैं अपने अपने एक्टर्स को और जब उनको लगता है कि हमारा हमारा जो किरदार है हमारा जो एक्टर है उसको कुछ अच्छी चीज बन गई उनको बहुत मज़ा आया वो फिल्म देख के तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे मुझे ले लेना चाहिए मुझे ले कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर आप भी बोलो मैंने कहा अरे सबका है ये दिस इज आ टीम वर्क मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस फिल्म में एक भी कैरेक्टर ना हो या कम हो या ज़्यादा हो ये फिल्म नहीं है सर ये फिल्म ही नहीं बनेगी ओके सो देन यू नो नाउ दिस हैज बिकम अ की वी सी अमर कौशिक कम इन वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म एंड क्या ये सपना था आपका हमेशा टू कम ऑन द बिग स्क्रीन नहीं सपना हाउ डू यू डिसाइड कि इस गाने के पार्ट इस गाने का पार्ट तो मैं होऊंगा सर वो डिपेंड करता है मुझे जो गाना बहुत अच्छा लगता है ना जब गाने आते हैं हम लोग जब गाने बना रहे होते हैं तो जब गाना बन रहा होता है तो आपको हम कुछ ना कोई बीट पे कहीं ना कहीं आप ना थे रखने लगते हैं हम सब लोग डांस के शौकीन है शादियों में इतने डांस किए हैं हमने स्टेज पे खड़ा करके डांस कर लो तो डांस इज पार्ट ऑफ आर कल्चर काइंड ऑफ यू नो एंड देन ऑफ द फ्रेम यू आर डांसिंग मेरी पूरी टीम मेरी एडी टीम पीछे नाचती है सब लोग ऐसे नाचते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोरियोग्राफर देखता हैं सर आ जाओ आप तो पहली फिल्म में मुझे ऐसे धक्का देके के मेरे कोरियोग्राफर ने मुझे विजय गांगुली जो है उन्होंने मुझे खींच के लेके आए और उसके बाद से वो रिचुअल बन गया अभी और मुझे बड़ा मजा आता है कि कुछ और सबसे बड़ा मज़ा आता है कि कोई एक एक्टर क्योंकि मैं आऊंगा तो एक एक्टर को पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं आगे नाचूंगा फोकस ऑब्वियसली मैं डायरेक्टर हूँ और उसके लिए आया तो मैं लूंगा लूँगा उसमें ऐसा तो अभिषेक बनर्जी उसका वो बनता है बेचारा बकरा बनता है एंड हर बार उसको बोलता हूँ अभिषेक भाई तू दोस्त है ना तू पीछे जा तो देन वो ये, ये क्या बात है आप हर बार इच, अच्छे गाने में अच्छे स्टेप में घुस जाते हो आप मैंने कहा ऐसा ही है Are you inspired by Subhash Gai? Subhash Gai used to do this. Actually, मुझे अभी आप मतलब अभी लोगों ने बहुत दिनों से बोला तो मुझे याद आया कि हाँ Subhash Gai आते थे hat ऐसे करके करते थे कुछ तो uh, he was a so, show showman तो uh, अगर compare कम्पार, comparison हो रहा है तो ठीक है but ऐसा नहीं कि मैंने उनसे inspired होके कुछ किया है but अच्छा है. Let's talk about your conviction. You know what was the idea behind merging or introducing Bhediya to the world of screen? सर इट इट इज़ सी व्हेन वी स्टार्टेड भेड़िया ना दैट्स व्हेन वी थॉट ऑफ कि यार ये अपना एक यूनिवर्स बनाना चाहिए उससे पहले स्त्री जब बनाई थी फर्स्ट तो ऐसा कभी भी नहीं था कि हम सीक्वल बनाएंगे एक आइडिया था दीनू के दिमाग में कि हम कोई कभी यूनिवर्स कुछ करेंगे ऐसा वैसा तो हम लोग ने बात की थी तो जब भेड़िया लिख रहे थे भेड़िया ही वॉज इन दुबई हम लोग वहाँ पे थे तो भेड़िया लिखने के बाद मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मुझे लगता है कि एक कैरेक्टर फ्रॉम स्त्री जना आई वॉन्ट टू इसको उठा के मुझे इसमें अपने भेड़िया में डालना है तो उन्होंने बोला थोड़ी देर के बाद उन्होंने फ़ोन किया बोला बहुत ग्रेट आइडिया है लेट्स डू दिस एंड दैट्स व्हेन आर यूनिवर्स स्टार्टेड कि यूनिवर्स बनाना है एंड भेड़िया जब बनाई भेड़िया बनाई तो हमने कहा कि भेड़िया के एंड में कैसे मैं बोलूँगी जना है ये मैं पहले सीन से नहीं बोलना चाहता था क्योंकि फिर डायल्यूट हो जाती है अपने में भेड़िया तो मुझे लगा भेड़िया भेड़िया नहीं देते आखिरी में बताएंगे हु इज़ दिस जनार्दन एंड देन वी कम टू नो दैट जनार्दन अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर इज़ फ्राम स्त्री एंड उसको लेने ये लोग आते हैं क्यों लेने आते हैं ये हमारे दिमाग में स्त्री का आइडिया था तो मेरे लिए किरदार यहाँ से उठा के उधर डालना इधर करना सडनली आई आई एम इन्जॉइंग दिस सिंस भेड़िया आई एम इन्जॉय इवन भेड़िया में मैं यामी को भी लाना चाहता था एज uh, बर उनकी गर्लफ्रेंड बट वो हुआ नहीं फिर मुझे लगा कि कहानी में कहीं और जा रही थी बट uh, मुझे बड़ा मज़ा आता है अपने किरदारों को इधर उधर घुमाने में तो किरदारों को इधर उधर घुमाने की बात हो रही है तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले किसी स्त्री पार्ट में विल सी आयुष्मान खुराना फ्रॉम बाला आल्सो एन्जॉइनिंग द वर्ल्ड ऑफ स्त्री कुछ भी हो सकता है सर मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ यही ये, ये ये ना ये आई एम थैंकफुल टू गॉड थैंकफुल टू यूनिवर्स की आई एम डूइंग वॉट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू मतलब जब मैं नागराज और इनकी कहानियाँ पढ़ता था नागराज डोगा में चला गया डोगा नागराज में आ गया तो मुझे बड़ा मजा आता अरे ये कहाँ से आ गया ये नागराज तो ये सब जो चीज़ें जो होती थी ना और मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ कहीं कहीं ना कहीं, कहीं मैं साइड इस साइड आ गया हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है तो हो सकता है कि ऐसा भी हो, हो सकता है कोई और आए जो आपको लग पता चले एक छोटा सा किरदार था स्त्री वन में अरे ये ये तो बड़ा हो गया बहुत बड़ा हो गया इसका तो कहानी अलग से हो गई तो वो भी हो सकता है तो डैट इज ऑफ मेकिंग सिनेमा यू नो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग अलन दैट नेवर डाइज यू कोर्स क्रिएटेड योर ओन एपिक लाइक माभारत एंड रामायण यू है चोपड़ा माभारत क्या आइडिया है कि एक ऐसा विलन बनाओ जो मरता ही नहीं है सर विलन का मतलब ही है कि एक डर होता है यू you नो know, वो डर अगर खत्म हो गया तो आपकी कहानी खत्म हो जाती है तो आपको डर हमेशा रहना रहने देना चाहिए आपका हीरो से बड़ा होना चाहिए विलेन मैं हमेशा मानता हूँ यू you नो know, कि विलेन शुड बी मोर ऐसा डेंजरस देन योर हीरो हीरो शुड बी उसको डिफीट करने के लिए उसको बहुत पैतरे आज़मानी पड़ेंगे बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी आके एक बार में मार दिया डिशुम डिशम कर दिया एंड देन मर गया तो फायदा क्या हुआ फिल्म खत्म हो गई मेरे लिए ये है कि विलन मारने के बाद लेट हिम अगेन अप एंड वो आपको हमेशा दबाए और आप वहाँ से कुछ निकालो क्योंकि ये ये आपकी लाइफ है विलेन क्या है विलेन इज द थ्रेट जो आप आप जी रहे हो आपको लगता है ये मैं मुझे ये से डर लगता है या मैं मुझे ये चीज़ें पार करनी है ये चीज़ें नहीं होनी है तो विलेन सिनेमा में हम वो चीज़ें बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो आप दिखा नहीं सकते उसको एक रूप दे देते हैं तो दैट इज हु वॉट विलेन इज नाउ अक्षय कुमार इज ना पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ थ्री वी सॉ इन टू दिस वर्ल्ड प्राइमरली बिलोंग टू थ्री बॉयज विक्की बिट्टू एंड जेना वील वी सी दीज थ्री एक्टर्स राज कुमार राव एंड अभिषेक बैनर्जी एंड अपार फीचरिंग अगेन इन थ्री 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 बने फोर बने फाइव बने ये तीन लोग कहीं ये चार पांच लोगों का जो ग्रुप है अपार का आ, बिट्टू जना विक्की श्रद्धा पंकज जी रुद्रा भैया ये पांच लोग हमेशा रहेंगे तभी ये फिल्म फिल्म रहेगी सर उसमें से किसी को कभी ऐसा हुआ कि भाई अभी मुझे तुम्हारी फ़िल्म का पार्ट नहीं होना तो ही वो बाहर जाएगा अदरवाइज ये ये यूनिवर्स में इस फिल्म स्त्री में ये बहुत ही इंट्रीगल पार्ट है इनके बिना मैं कहानी ही नहीं लिख पाऊंगा मगर क्या एक सेंस ऑफ थी इन एक्टर्स के बीच में जब उनको पता लगा कि अक्षय नहीं। नहीं। मतलब like अरे अक्षय सर कर रहे हैं हमारी फिल्में आ रहे हैं तो अभिषेक बहुत एक्साइट हो गए राज बहुत एक्साइट हो गया कि अरे मुझे हमेशा से उनके साथ काम करना था मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं उनका कहीं ना कहीं एक फैन भी रहा हूं और उनको देख के उनकी कॉमेडी देख के बड़ा हुआ हूँ तो वी वर वेरी एक्साइटेड सर ये जो जो ये एक होता है ना कि फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है जब यू you नो know, जब आपका आपकी एक फिल्म है व्हेन यू सी न्यू प्लेयर्स आर कमिंग इन सर अभी तक तो नहीं आई है मेरी टीम में और मैं ना आने दूंगा क्योंकि पिक्चर का वर्क करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी ऑल नो दैट एंड उसमें सेम आप सेम दाल चावल खा रहे हो साथ में कभी दही आ जाती है अचार आ जाता है यू नो इससे दाल चावल का मज़ा दाल चावल ही रहेगा सर तो मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि इनसिक्योर हो जाओ अरे दही दाल चावल बोल रही है अरे दही हटाओ इट्स ऑडियंस को मैं सेम चीज़ बार बार नहीं दे सकता उनको उसके साथ कुछ नया yeah. कुछ देना पड़ेगा अरे ना? सर मज़ा आ गया मज़ा आ गया मैं तो मतलब काफ़ी पहले मुझे थोड़ा नर्वस नर्वसनेस थी लेकिन मैं क्योंकि स्काई फोर्स के सेट पे उनके साथ रहा हूँ पूरे समय तो मुझे पता था हम दोनों का एक एक बॉन्डिंग हो गई थी जब सेट पे हमारे आए तो उनकी टीम वाले लोग बोल रहे थे सर आपकी सेट पे सर कुछ ज़्यादा ही मज़े कर रहे हैं हाँ वो एकदम खुद से बोल रहे हैं एक टेक और देता हूँ एक टेक और देता हूँ इस तरीके के तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि सर इज़ इन्जॉइंग अक्षय सर इज़ इन्जॉइंग माई सेट द एनर्जी ऑफ माई सेट एंड उनको बाद में फ़ोन आया अमर मुझे बहुत मज़ा आया तेरे सेट पे uh, तेरा सेट बहुत पॉजिटिव है तेरा सेट ये है मैंने कहा सर वही है आपने आके और उसको चार चाँद लगा दिए आपने उनको फाइनली दे दी काफ़ी अर्से बाद अभी मैं बहुत जल्दी होगी वो बोलने की बोलना कि अभी उन्होंने कुछ सुना नहीं है ना मैंने उनको कुछ बताया है ना मैंने कुछ लिखा है उस लेवल पे तो जिस दिन मैं पूरा लिख के एकदम वो हो जाएगा कि हाँ ये करेक्ट है तब मैं उनके पास जाऊंगा हो सकता है ना भी जाऊं सर हो सकता है जरूरत ही जर, ना ज़रूरत पड़े उस कैरेक्टर को आगे ले जाने की तो लेट इट फ्लो या बज अराउंड फिल्म अबाउट श्रद्धा कैरेक्टर कौन कौन बज है सर कहाँ है ये बर्स मतलब हो गया होगा बट ऐसा मुझे तो अभी तक आया नहीं मुझे कहानी तो आने दो तो कुछ स्टैंड अलोन श्रद्धा की फिल्म

ऐसा मुझे किसी का फ़ोन उस तरीके से आया नहीं ना मैं उनके बाद रिलीज़ के बाद मिला हूँ बट क्यों नहीं ये सोच के भी मुझे अच्छा लगता है बट ऑर्गेनिकली आएगा सर तो ही लेके आऊँगा ये नहीं कि अगर आ, स्टार है अरे वो ले आओ तो और चार चांद लग जाएंगे ऐसा ऐसा मुझे वो नहीं है अगर ज़रूरत होगी तो मैं खुद जाऊँगा सर के पास सर प्लीज़ आपके आने से मेरी स्त्री और बड़ी हो जाएगी मेरी पिक्चर में ऑर्गेनिकली आप आ गए हो सर तब मैं जाऊँगा मगर एक खान मुझे मालूम है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं वो है आमिर खान बहुत ज़रूर बिकॉज रंगील इज़ अ फिल्म दैट चेंज यू लाइफ तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं अमर कौशिक टीमिंग अप विद आमिर खान आई वुड लव टू सर मतलब ये तो उस दिन किसी ने कहा मैंने पढ़ लिया कि आमिर सर शायद काम नहीं करेंगे ऐसा करके मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था अरे ये क्या फिर मैंने देखा वो फेक न्यूज़ थी या कुछ था बट uh, सर ये जितने सितारे हैं ना जितने आमिर खान सलमान खान शाहरुख खान इनको देख के हम बड़े हुए हैं तो अगर हम उनके साथ काम करने का मौका मिला तो ज़रूर करना चाहूंगा कौन नहीं करना चाहेगा उनके साथ काम जब से पिक्चर हिट हुई है पीपल आर डिगिंग आउट द हिस्ट्री ऑफ 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 चंदेरी चंदेरी गेट वर यू अवेयर यस यस मतलब फर्स्ट पार्ट से ही मुझे पता था देखिए जब हम लोग uh, लोकेशन रेकी पे जाते हैं तो हर हर गली हर नुक्का हर चौराहा हम लोग घूमते हैं उसमें हमको सब सारी हिस्ट्री पता चलती है कि क्या था और मैं तो क्योंकि हॉरर फिल्म है तो मैं तो हर उस जगह पे शूट करता हूँ जो वॉन्टेड है तो मैं उनको पूछता हूँ यहाँ पे कुछ हुआ था तो वो बताते हैं कि हाँ ये हुआ था हॉरर वाली जगह है तो मैं बोलता हूँ कि टीम बोलती नहीं नहीं इधर नहीं तो मैं बोलता जरूर यहीं शूट करना है तो मेरे लिए तो आ, और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि जहाँ पर भी हॉर कुछ हुआ है कुछ मिस्टीरियस कुछ हुआ है हिस्टोरिकल कुछ हुआ है कि उस जगह को अपनी पिक्चर में पार्ट बनाना तो कच कच कच्ची घाटी भी एक ऐसी एक जगह थी जहाँ पे और सेम लास्ट फर्स्ट फिल्म का एंडिंग और सेकंड फिल्म की एंडिंग सेम जगह पे हुई है काफ़ी ऑडियंस मेंबर चाहते थे विक्की और स्त्री की लव स्टोरी आगे बढ़े और दे वांट टू तो सी देम टूगेदर आगे बढ़ी ना पहली पार्ट से सेकंड पार्ट में आगे बढ़ी है थर्ड पार्ट आएगा तो और आगे बढ़ेगी उसने कौन थी पहले तो उसको लगता था सच में कोई है अभी उसको समझ में आ गया कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है कुछ अलग है उसको समझ में आ गया है तो मोहब्बत आगे बढ़ी है और उसको वो एक फूल दे के गई आखिरी में वो फूल में क्या ताकत है क्या नहीं है वो आगे पता चलेगा ना इंडस्ट्री एंड ऑडियंस कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ थिंग्स इन पाइपलाइन राइट नाउ दो तीन चीज़ें हैं बट अभी मैंने ज, जस्ट फिल्म रिलीज़ के बाद कुछ पंद्रह बीस दिन का एक छुट्टी ली थी टू थिंक कि कौन सी चीज़ पहले बनानी है कौन सी चीज़ बाद में बनानी है तो अभी है मेरे दिमाग में है बट क्या होगा आई थिंक मुझे भी दस दिन के बाद पता चलेगा थैंक यू सो मच योर टाइम अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर द सक्सेस ऑफ थ्री टू एंड वट यू डू नेक्स्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच